नमस्कार, क्लास सिक्स मैथ्स एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉरी एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज 3.2 ठीक है, एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू फर्स्ट ऑड नंबर सेकेंड इवन नंबर। ठीक है, तो ऑड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर वो होते हैं जो टू से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, किसी भी नंबर में आखिरी का जो डिजिट है वो 2, 4, 6, 8 या 0 आ जाए तो वो इवन नंबर होता है, क्योंकि वो एग्जैक्टली 2 से डिवाइड, 2 से जो डिवाइड होगा वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। जैसे 24 को 2 से डिवाइड करेंगे हम तो क्या होगा, 2 1 जा 2, 4 आया, 2 2 जा 4, रिमाइंडर नहीं बचा तो हमारा क्या होगा, ये एग्जैक्टली डिवाइड हुआ, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर। वैसे ऑड नंबर किसको बोलते हैं, ऑड नंबर उसको बोलते हैं जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड ना हो, इसके आखिरी में डिजिट क्या आते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 ठीक है, ये सभी यदि आखिरी में आए तो वो क्या होता है, ऑड नंबर होते हैं। ठीक है, इसके डेफिनेशन में कहीं अच्छे से किसी वीडियो में डाल दूंगा बाद में। ठीक है, तो व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू, ठीक है, ऑड नंबर, व्हेन डायरेक्ट लिखिए, ए नंबर, सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर will be always, ठीक है, समझाता हूं। ऑड नंबर क्या क्या होते हैं, 1 ठीक है, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सभी ऑड नंबर हैं जो 2 से पूरी तरह से एग्जैक्टली डिवाइड ना हो। ठीक है, अब इसमें कोई भी 2 ऑड नंबर को आप सम कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, 1 और 7 कितना होता है, 8 होता है, 3 और 9 करेंगे तो कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, 5 और 11 करेंगे तो कितना होगा, 16 होगा, 11 को 1 से ऐड करेंगे तो कितना होगा, 12 होगा। जब भी हम इसको ऐड करते हैं तभी ये वैल्यू जो होता है वो इवन नंबर आ रहा है, हमेशा वैल्यू क्या आता है, इवन नंबर। किसी भी ऑड नंबर को किसी भी ऑड नंबर के साथ जब भी आप ऐड करेंगे वो आएगा इवन नंबर, तो इसलिए मैंने लिखा सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर विल बी ऑलवेज क्या होगा, इवन नंबर। ठीक है, क्योंकि हमको सिर्फ लिखने का ही है, एग्जांपल बताने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ है व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर। ठीक है, तो पहले का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा का क्या होगा, सम of any two even number अगला even number के लिए पूछ रहा है, तो sum of any two even number will be always क्या होगा, अभी even number लीजिए 2, 4 जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो ये जिस भी नंबर के आखिरी में डिजिट 2 आता है वो हमेशा इवन नंबर ही होता है, 2, 4, 6, 8 या 0। ठीक है, 14, 16 ले लीजिए, 256 ले लीजिए, ले लीजिए 548 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, अब इसको आप ऐड कीजिए, 2 को 8 से ऐड करेंगे क्या आया, 10 आया, 4 के 10 से क्या करेंगे, 14 आया। ठीक है, 2 को 12 से कीजिए कितना आया, 14 आया। ठीक है, 16 कीजिए 30 आया। ठीक है, ये देखिए 14 को इससे आप ऐड कीजिए, 562 आया। हर एक टाइम में हम क्या देखते हैं कि आखिरी का जो डिजिट है
वो क्या है, इवन है। इसका मतलब ये जो है इवन नंबर ही है, यानी सम ऑफ एनी टू इवन नंबर विल बी ऑलवेज क्या होगा, इवन नंबर। यानी ऑड नंबर को भी एड करने से इवन नंबर ही आता है और इवन नंबर को भी एड करने से इवन नंबर ही आता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एग्जांपल से आप खुद भी देख सकते हैं कि दो कोई भी दो इवन नंबर ले लिया और ऐड करके देख लिया कि क्या आता है, तो 14 को हमने 548 से ऐड किया, ये इवन ही आया, सब जगह में इवन ही आया, ठीक है, ये सब हमने ऐड ही किया था, ठीक है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है।